Hey guys, Xiaomi ने इंडिया में काफी सारे फ्लैगशिप फोन लॉन्च किए किएल प्रो मीलेवन अल्ट्रा एंड फाइनली ये हिसाब से इंडिया में जो प्राइसिंग थी दैट वॉज सरप्राइजिंगली गुड तो Xiaomi ने ऑलमोस्ट एक परफेक्ट फोन यहाँ पे बना दिया है मैंने ऑलमोस्ट क्यों बोला उसका जवाब आपको चाहिए तो ये रिव्यू पूरी तरह से देखना फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत तो हम इसके डिस्प्ले और स्पीकर से करेंगे बिकॉज ये जो चीज थी दैट वॉज द

अपडेट्स की हम बात कर ही रहे हैं बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फोन इसको तीन मेजर अपडेट्स और चार साल की सिक्योरिटी तो को जितनी अपडेट्स मिलेगी रियली गुड लोगों को शाउमी के फ्लैगशिप फोन लेने से कि उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है बट अब ये डिलीवर कर पाते कि नहीं वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा बट अगर मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पे इज इंप्रूविंग डे बाज में भी सुन रहे हो कि मैं ये बात कर रहा हूं बिकॉज ट्वेंटी हर्ट्स पे यहाँ पे चीजें एकदम मक्खन की तरह चलती है कहीं पर भी मुझे लैग या या स्टटर स्लो डाउन देखने नहीं मिला ब्लोटवेयर भी भी मिनिमम है और कोई टाइप के फालतू एड्स या कुछ भी ऐसे मुझे देखने नहीं मिला जिससे मैं इरिटेट हो गया कि फ्लैगशिप फोन पे ये क्या हो रहा है सो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाज ग्रेट मी वाई एज ऑलवेज काफी फीचर रिच है काफी सारी चीजें आपको यहां पे देखने मिलती है इफ़ यू यूज द शावर फोन बिफोर आपको बताया मैं पढ़ता रहता हूं फालतू के कॉमेंट्स की इसमें मी यूवा है तो आठ वाले फोन का ही एक्सपीरियंस होगा ऐसा नहीं होता यार नी आई फ्लैगशिप फोन पे आप यूज करके देखो द एक्सपीरियंस इज रियली रियली गुड स्नैपड्रैगन ड्रैगन ट्रिपल एट यहाँ पे सब कुछ मक्खन की तरह हैंडल करता है हमारे पास यू एफ एस थ्री पॉइंट वन की स्टोरेज है एल पी डी डी आर फाइव की रैम है इट गिवस यू अ वेरी स्मूथ एंड यूजर एक्सपीरियंस तो ऐप खोलने में मल्टीटास्क करने में स्पीड टेस्ट वीड टेस्ट आप कर रहे हो दूसरे फोन के साथ तो ये नेक टू नेक कंपेयर होता है कहीं पर भी फोन मुझे स्लो नहीं लगा एक चीज यहाँ पे फोन ने मुझे डिसअपॉइंट किया दैट वॉज विद रिस्पेक्ट टू द गेमिंग परफॉर्मेंस आई डोंट नो ने यहाँ पे

From 0 to 100%, which is still not slow. तो so, मुझे चार्जिंग से दिक्कत नहीं है बट वो जो सत्रह मिनट वाला क्लेम है ना दैट इज फार फ्रॉम रियालिटी तो वो थोड़ा शाउमी ने ज्यादा ओवर हाइप कर दिया है आपके जो भी इोन्स है टैबलेट है उसके अलावा लैपटॉप मेरा मैकबुक भी हो वन ट्वेंटी वोट के चार्जर से चार्ज करता हूं सो इट्स सो डिस्प्ले यू आई परफॉर्मेंस बैटरी चार्जिंग सब शाउमी ने इम्प्रूवमेंट कर दी है एक लास्ट चीज विच इज द कैमरा यहाँ पे शाउमी का सबसे वीक पॉइंट

चीज गड़बड़ कर देता है कुछ फोटोज में हाईलाइट यानी कि जो ब्राइट रीजन होते हैं बट है। फिर भी स्किन टोन्स भी अच्छे आते हैं है। अच्छे फोटोज आते हैं बट आई फील वन प्लस टोन्स बेटर है एंड अगर आप ओवरऑल सारे सिचुएशन में आपको एक बेटर कैमरा चाहिए तो वो सैमसंग और वीवो देते हैं आपको ये प्राइस में। पुराने जो भी शावमी के हंड्रेड एंड एट मेगा पिक्सल के फोन मैंने यूज किए उनके कंपेरिजन में इसका कैमरा मुझे अभी तक सबसे बेस्ट लगा अल्ट्रा वाइड भी यहां पे 8 मेगापिक्सल का है जो मुझे थोड़ा कम लगा 13 या 16 का होना चाहिए था बट द सरप्राइजिंग पार्ट इज कि OnePlus 9 RT जिसमें बेटर अल्ट्रा वाइड है रेजोल्यूशन वाइज उससे ज्यादा शार्प फोटोज ये खींचता है तो शवमी ने अल्ट्रा अल्ट्राइड में प्रोसेसिंग अच्छा किया है एज यू कैन सी फ्राम द फोटोज एंड माई फेवरेट पार्ट द माइक्रो लेंस इज हियर पाँच मेगा पिक्सल का टेली माइक्रो लेंस है जो क्रेजी क्लोजअप्स खींचता है एंड ये प्राइस सेगमेंट में इससे बेटर माइक्रोशॉट्स और कोई भी फोन नहीं लेता सो so, माइक्रो कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा काफ़ी अच्छा है फ्रंट फेसिंग कैमरा वन सेकेंड डिसेंट है इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे तो so, कैमराज इस फोन के सबसे बेस्ट नहीं है मतलब अगर बाकी फोन नाइन ऑन टेन है तो ये सेवन एंड हाफ एट ऑन टेन है तो so, अगर आपको ये फोटोज चल रहे हैं देन इट वुड बी गुड फॉर यू वीडियो के मामले में यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है यू हैव इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन विद सरप्राइजिंगली डज अ गुड जॉब 4K 60 तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो 8K भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड EIS इसका कभी-कभी थोड़ा सा जिटरी लगता है मुझे बट ओवरऑल द वीडियो परफॉर्मेंस इज आल्सो गुड HDR वीडियो का भी ऑप्शन है यहां पे एक्चुअली आपको फ्रंट फेसिस कैमरा में भी एच डी आर वीडियो का ऑप्शन मिलता है विच वर्क वेटी वेल और इसका फ्रंट कैमरा टेन एटी पी सिक्सटी पे भी शूट कर सकता है तो वीडियो के मामले में इट वॉज गुड एक जगह जहां पर मैं थोड़ा साइंट हुआ दैट वॉज विध रिस्पेक्ट टू द डिजाइन एंड द बिल्ड क्वालिटी बिकॉज यहाँ पे शावी ने ग्लास बैग तो दिया है बट ये ग्लास बैग मैंने काफी टाइम बोला है डजेंट फील लाइक ग्लास बैग ऑन अदर डिवाइस थोड़ी सी प्लास्टिक की फील आ रही है यहाँ पे आई डों नो वाई तो शावमी को थोड़ा सा बेटर बिल्ड क्वालिटी करना चाहिए था ये फोन पे जो फ्रेम है साइड की दैट इज ऑल्सो पॉलीकार्बोनेट वैसे ड्यूरेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है फोन ऐसा नहीं है कि आपका टूट टूट जाएगा बट आईकू सेवन लेजेंड वन प्लस नाइन आर टी ऑल ऑफ दीज फोन फ्रेम्स तो प्रॉबेबली शाओ मी शुड इसका जो कलर है मैजिक बोलते हैं इसको वो मुझे थोड़ा सा कूल लगा बिकॉज ये अलग अलग डायरेक्शन में आप देखोगे तो थोड़ा सा अलग लगता है इसका कलर बाकी तो कैमरा बम्प उतना ज्यादा है नहीं इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे आपको आयर ब्लास्टर भी देखने मिलता है एंड अगर मैं हैप्टिक्स की बात करूँ तो हैप्टिक इंजन तो शाओ का काफी मस्त है इट्स फ्लैगशिप ग्रेड उनके बजट फोन में भी अच्छे हैप्टिक्स होते हैं तो यहाँ पे इनके फ्लैगशिप

डिस्काउंट और एक्सचेंज भी था तो वो सब करके कुछ थर्ट फाइव थाउजेंड जगह पे तो माई पॉइंट इज बेसिकली कि अगर आपको रुपीज के आसपास ये फोन मिल रहा है देन इट इज रुपीजली अ वैल्यू फॉर मनी पैकेज बिकॉज यहाँ पे आपको कितना कुछ मिल रहा है बेस्ट डिस्प्ले बेस्ट स्पीकर उसके अलावा यहाँ ये यह फोन का परफॉर्मेंस डे टू डे अच्छा है यहाँ पे बैटरी काफी अच्छी है चार्जिंग भी मस्त है यू भी शाउमी ने काफी इंप्रूव कर दिया है विद प्रॉपर अपडेट तो मेरे हिसाब से थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज के आसपास

पास यू कैन गो हेड विद फोन इफ यू आर नॉट अ गेम और दट इट फॉर माई रिव्यू अच्छा लगा लाइक like करो नहीं अच्छा लगा दो बार डिसक कर लेना स्टे सेफ और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन वापस आऊंगा बाय बाय